Hey guys, welcome back. आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एडवर्ब। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हमारे वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। आज से हम फिर एक नए सफर में निकलेंगे। हमने अपने तीन डेस्टिनेशन पूरे कर लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब। तो आइए हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब की बात करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। भाई हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक क्वालिफायर है, मतलब ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी एडजेक्टिव की तरह है। एडजेक्टिव भी एक क्वालिफायर था और एडवर्ब भी एक क्वालिफायर है, ठीक है? अपने दिमाग में बना लीजिए, क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये किसको किसको क्वालिफाई करता है? एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है? लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। इंस्टेड ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा, एडवर्ब क्वालिफाइज प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन एंड होल सेंटेंस। ये तो हमको समझ में आता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है? कुछ तो गड़बड़ है दया। आइए हम बात करते हैं उस गड़बड़ी की। होल इस सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये बात थोड़ी सी हमको पची नहीं। आइए हम हाजमौला खाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉक स्लोली, वह धीरे से चलता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें एडवर्ब कौन है, तो स्लोली। देखिए पहले यहीं से इसका बेस समझ लीजिए आप कि ये किस तरह क्वालिफाई करता है, ठीक है? ही वॉक स्लोली, वह धीरे से चलता है। कैसा चलता है? धीरे से चलता है, ठीक है ना? तो इसको चलने की जो तरीके को आपको बताया जा रहा है, ये जो बता रहा है वो कौन है? वो ही एडवर्ब है। ही फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह कैसा दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है। अब यहां पे दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, तेज दौड़ता है, ठीक है ना? आगे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, वह अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? वेरी गुड। यहां पर वेरी क्या है? वेरी एक, यहां पे गुड को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। ही इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। अब वो खूबसूरत तो है लेकिन कितनी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। सॉरी, यहां पे सी लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल गया। आई राइट वेरी केयरफुली, आई राइट वेरी केयरफुली, मैं लिखता तो हूं लेकिन बहुत ही केयरफुली लिखता हूं, मैं सावधानी से लिखता हूं लेकिन बहुत सावधानी से लिखता हूं। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये केयरफुली क्या हो गया? ये भी एक एडवर्ब है। तो हमको पता चला कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, क्योंकि शुरू के तीन चार सेंटेंस में आपको बता दिया गया, क्योंकि यहां पे वॉक्ड है। वॉक्ड क्या है? एक वर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? कौन क्वालिफाई कर रहा है इसको? एक एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। रन्स भी एक वर्ब है, कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। ही इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत तो है, खूबसूरत है बट एक्सट्रीमली, मतलब यहां पे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? कुछ नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, समझने और करने की कोशिश करिए। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, ये जो हॉर्स है दौड़ता है लेकिन कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, अब यहां पे थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। एग्जैक्टली क्या हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल कैसा उड़ा? मतलब बिल्कुल ओवर, अपने ऊपर यहां पे। और ये ओवर क्या हो गया? ओवर एक हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है? तो अभी हमको ये चीज समझ में आई कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। सी पार्क द कार जस्ट एट द गेट, उसने अपने कार को पार्क किया, खड़ी किया जस्ट एट द गेट, बिल्कुल गेट पर, ठीक है? तो जस्ट एट, अब यहां पे जस्ट क्या है? जस्ट एक एडवर्ब है और एट क्या है? एक प्रीपोजिशन, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ, एक नियम यहां पे छोटू सा लिखा हुआ है। व्हेन एडवर्ब क्वालिफाई द सेंटेंस, जब एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तब वो किस तरह दिखता है? वह दिखता है इस तरह, ये देखिए, दिखता है इस तरह। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट, भाग्यवश टेररिस्ट पकड़ा गया। इसका मतलब ये फॉर्चुनेटली जो दिया गया है, एक सेकेंड, फॉर्चुनेटली जो दिया गया है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेचुरली, स्वाभाविक, बिल्कुल
नेचुरली मतलब होता है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, जैसा उनका स्वभाव है। तेंदुलकर प्लेड वेल, तेंदुलकर ने अच्छा खेला। अब बात करते हैं व्हेन एडवर्ब क्वालिफाई नाउन अ प्रोनाउन। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये जो एडजेक्टिव है ये किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को, क्या नाउन और प्रोनाउन को कोई और क्वालिफाई करता है। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए आगे की वीडियो, ठीक है। ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। अब यहां पे देखिए ओनली वीना, अभी केवल वीना। अब आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ रही होगी कि फंक्शनल ग्रामर, इसमें हम रट के काम नहीं कर सकते। ओनली वीना, केवल वीना यह काम कर सकती है, ठीक है। अब यहां पे बता दिया गया कि सिर्फ वीना यह काम कर सकती है। नीचे अगले वाले सेंटेंस में भी कह रहा है इवन शी कम्स लेट, इवन सी कम्स लेट, ठीक है ना। अब यहां पे इवन कौन क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये सी को क्वालिफाई कर रहा है। एटलीस्ट यू शुड कम हियर, कम से कम तुम तो यहां आते, ठीक है ना, तुम्हें यहां आना चाहिए। तो अभी हमको पता चला कि ये जो एडवर्ब है ये किसको क्वालिफाई करता है, ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, देवियों एंड सज्जनों। नोट लिखा हुआ है आपके सामने ओनली। अच्छा मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि एक ही कैटेगरी के दो लोग लग रहे हैं। हाँ ओनली वेन, सॉरी ओनली इवेन एंड एटलीस्ट ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये किसको क्वालिफाई करेंगे, नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सामान्यतया नाउन और प्रोनाउन को केवल कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आपको ये बता दिया गया कि एडवर्ब भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो आगे से आप अपने क्वेश्चन गलत करते जाएं, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स, राम इज एन ऑनेस्ट। अब इसमें आपको बताना है कि एडवर्ब कौन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम क्या है, एक ऑनेस्ट। अब इसमें बताइए कोई एडवर्ब है, इसमें कोई एडवर्ब हमें लगता है नहीं है, आपको लगता है तो आप देखते रहिए। सी ड्रॉज ब्यूटीफुली, उसने बहुत खूबसूरती से कुछ चित्र बनाया, ड्रॉज मतलब खींचा कुछ भी बनाया, तो ब्यूटीफुली इसमें क्या है, ब्यूटीफुली एक क्या है, एडवर्ब है। राम इज नॉट स्लीपिंग, राम इज नॉट स्लीपिंग, खूब ध्यान से देखिएगा, राम इज नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग को कौन क्वालिफाई कर रहा है, नॉट। तो नॉट क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे क्या हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करें। अब प्लीज पूरी तरीके से कहा जा रहा है, ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, सेंटेंस को पूरे कौन क्वालिफाई कर रहा है, प्लीज शट द डोर। राधिका वॉक्ड फास्ट, राधिका तेज दौड़ी। अब यहां पे तो ये तो पता ही है कि भाई फास्ट को कौन क्वालिफाई, वॉक को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट क्वालिफाई कर रहा है। शिवाजी स्पीकिंग फ्लुएंटली, वह बहुत ही तेजी से बोलती है, तो कौन तेजी से बोलता है, वह बहुत तेजी से बोलती है, कैसा बोलती है, फ्लुएंटली, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। सी इज रियली वेरी ऑनेस्ट, रियली वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑनेस्ट एडजेक्टिव, ठीक है। रोहन वॉज वेटिंग हियर, रोहन कहाँ इंतजार कर रहा है, यहां इंतजार कर रहा है। अच्छा एक काम करिए आप लोग, एक नीचे फॉर्म किया गया है एक फॉर्मूला, अगर ये कई साथ एक साथ आ जाते हैं, एडवर्ब 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 और एडजेक्टिव और नाउन, ये एक साथ अगर आ जाते हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम नाउन लिख देंगे उसके बाद हम एडवर्ब लिखेंगे उसके बाद हम एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक सेकेंड यहाँ पे तो पूरा, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो हम बात करते हैं पहले एडवर्ब की, और पहला एडवर्ब हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम पहले, ये सिर्फ आपको पहचानने के लिए, अभी आप पहचानिए बहुत अच्छे से, अपना वेस तैयार करिए, ठीक है। तो आगे हम इसके यूज को पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं टुडे टुमारो यस्टरडे लास्ट नाइट लास्ट डे लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर लास्ट डे लेटली नाउ जस्ट अगो डेली ऑलरेडी अर्ली सून द डे आफ्टर टुमारो द डे बिफोर यस्टरडे
एट प्रजेंट, प्रजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमिडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस, ये सारे क्या है? ये सारे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बताते हैं, ठीक है। कैसे सेंटेंस देख लेते हैं हम भाई, सी विल अटेंड द क्लास टुमारो, वह क्लास अटेंड करेगी, कब अटेंड करेगी, टुमारो, तो ये कल अटेंड करेगी, ठीक है। तो इस पर देखिए क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये अटेंड क्वालिफाई कर रहा है। ही शामी स्टडी, उसने मुझे देखा तो, बट कब देखा, अच्छा अच्छा एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे अगर आप वेन लगा देते हो, अगर आप वेन लगा देते हो तो और आंसर जो भी मिलता है, आप यहाँ पे वेन लगाइए और आंसर जो भी मिले वो सारा क्या, वो सारा, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा क्या है, आई हैव सीन हर बिफोर, सी कम्स हियर डेली, बिकॉज विल सून रिटर्न, बिकॉज जल्दी ही लौट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए कि विकास विल सून रिटर्न, यहाँ पे ये इसमें एडवर्ब कौन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ही इसको बताइए। विनय अराइव्ड लेटर, विनय बाद में पहुंचेगा, ठीक है, विनय बाद में पहुंचा, तो बाद में ये लेटर क्या हो गया, ये लेटर हो गया एक एडवर्ब। अच्छा नोट में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं, वी कैन ट्रेस एडवर्ब ऑफ टाइम, कैसे ट्रेस कर सकते हैं भाई, बाय एडिंग व्हेन इन द सेंटेंस। अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपको व्हेन लगाना है तो आपको आंसर भी मिल जाना है, ठीक है। अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम खोजना है तो आप क्या लगाओ, व्हेन लगाओ और आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।